कुल्लू में एनएचएम कर्मचारियों ने की एक दिवसीय पेन डाउन हड़ताल। बीते कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा जहां काले बिल्ले लगाकर काम किया जा रहा था, तो वहीं बुधवार को कुल्लू में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय पेन डाउन हड़ताल की। वहीं एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्र में भी एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की और मांगे न मानने पर अपना विरोध भी जताया। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। जिस प्रकार अन्य सोसाइटीज के कर्मचारियों को सरकार ने रेगुलर किया है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को संभाल रहे कर्मचारियों को भी रेगुलराइज करके पिछले 23-24 सालों से जो उनका शोषण चला आ रहा है उसको खत्म किया जाए। एनएचएम कर्मचारी महासंघ कुल्लू के जिला सलाहकार विमल शर्मा का कहना है कि पोलियो, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, एमआर वैक्सीनेशन एवं अन्य जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें इनके कार्य की अहम भूमिका रही है, फिर भी यह वर्ग सदा ही सरकार की अपेक्षाओं का शिकार रहे हैं, इसलिए हमें भी आंदोलन का रुख करना पड़ा है। एनएचएम कर्मचारी महासंघ के जिला सलाहकार विमल शर्मा ने सरकार से यही गुहार लगाई है कि अब तो आंखें खोलो सरकार, अब तो हमारे बारे में भी विचार करो, अब तो हमें भी इस बेबसी से बाहर निकालो और हमारे हक हमें प्रदान करो ताकि हमारे परिवारों का भरण पोषण भी अच्छे से हो सके, क्योंकि इतनी कम सैलरी में यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी यह पूर्णतः जायज मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने कुछ किया है, जबकि सरकार बोलती है कि एनएचएम कर्मचारी जो है सेंटर फंडेड हैं, जबकि एसएसए वाले भी सेंटर फंडेड थे जिनको 90 और 10 की रेशो से पैसा आता था, जबकि उनका सरकार ने उनको रेगुलर कर दिया है, और जबकि हमारे एनएचएम को हॉस्पिटल जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने ना आज तक कोई पॉलिसी बनाई है, और जबकि हमारे आदमी कोविड में काम करते हैं, एड्स में काम करते हैं, हमारे डॉट्स में काम करते हैं, उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों को, यहाँ तक कि कोरोना भी हुआ उसके बावजूद हमारे को ना कोई फैसिलिटी दी जाती है, ना हमारे को कोई छुट्टियाँ या कोई हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी कोई पॉलिसी बनाई जाए या हमारे को रेगुलर पे स्केल देख रहे हैं। हम पिछले 5 जनवरी को हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री और हमने स्वास्थ्य विभाग में अपना ज्ञापन दिया, उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे। 25 जनवरी को इन जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारी, इनके लिए कोई फैसला नहीं आया। उस हमारा प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय है कि अगर 3 बजे तक भी सरकार और विभाग से हमारे साथ कोई वार्ता नहीं बनती है तो हमें फर्दर अगले आदेश जो आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे कि अगला क्या रहेगा उसके बारे में 3 बजे के बाद स्थिति जो है। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।